बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझमें। नहीं, के खिलाफ आवाज उठाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, छोड़ दीजिए, मैं अंगूठा लगाने को तैयार हूँ। अंगूठा तो तू लगाएगा ही, लेकिन पहले तेरे बेटे को सबक तो मिल जाए। पहली बार किसी ने हमारी शिकायत मंत्रालय तक की है कि भानु प्रताप की कंपनी अवैध रूप से खदान और जंगलों की कटाई कर रही है, मजदूरों को कम मजदूरी देकर जबरन अंगूठा लगवाता है। हाँ लगवाता हूं, बोल क्या कर लेगा। भैरव, बुड्ढे से अंगूठा लगवा और सब मजदूरों से कह दे कि भानु प्रताप के सामने जबान खोलने का क्या अंजाम होता है। चलो शंकर। आप आ गए। कहाँ थे आप रात भर? मैं कितनी परेशान थी, एक फोन तो कर लिया होता। अरे ये खून कैसा? अरे कुछ नहीं, काम धंधे में दबदबा बना के रखना पड़ता है। फिर किसी बेचारे गरीब मजदूर की शामत आई होगी। ये काम धंधे की बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ खाओ पियो और राम राम करो। मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रही थी कि अरे भाई साहबजादे उठेगी नहीं। क्यों बहू, उसे पता है ना सुबह जल्दी उठ के विधानसभा जाना है। हमने पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए दिन रात एक की है और वो घोड़े बेचकर सोया है। नहीं बाबूजी, वो तो 3 बजे सुबह आए, इसलिए मैंने। बहू पूरी बात बताओ ना, आपका लाडला सुबह 3 बजे नशे में धुत होकर घर लौटा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जब उठ जाए उसे बता देना। पापा आपका कब से इंतजार कर रही थी, मुझे कुछ बताना था आपको। अरे पता है हमारी बेटी का प्रोजेक्ट राज्य में फर्स्ट आया है, उसी का अवार्ड लेने जा रही है आज, है ना? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बना डाला हमारी बेटी ने? पापा मैंने जंगलों की कटाई और एक्सेसिव माइनिंग से होने वाले इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पर प्रोजेक्ट बनाया है। मुबारक हो, जिनसे भी तुम्हें ये अवार्ड मिलने वाला है उनसे ये मत कहना कि तुम भानु प्रताप की लड़की हो, वरना छिन जाएगा अवार्ड तुम्हारा। अरे प्रिया मैं बताना ही भूल गई थी, तुम्हारे कॉलेज से किसी राहुल का फोन आया था। राहुल? बेटी तुम्हारा कॉलेज में दूसरे लड़कों से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी माहौल बहुत खराब है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, उस पे ध्यान लगाओ। अरे प्रिया तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुम कॉलेज जाओ बेटा। ठीक है मैम। जाओ। मुझे भूख लगी है, नाश्ता लगाओ। आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। सुनने में आया है कि प्रकाश की बहन मधु को लेकर आपकी नियत पर शक किया जा रहा है, और लोग ये भी कहते हैं
कि काम के बहाने देर सवेर उसे ऑफिस में रुकना पड़ता है। और किसने भरे हैं तुम्हारे कान? मैं दोनों को आज ही धक्के मार के निकाल दूंगा। इससे तो आपका गुनाह और भी सच साबित हो जाएगा जी। देखिए, वो हमारे बहुत ही वफादार एम्प्लॉय हैं। बेचारे गरीब घर के हैं, इसलिए आपका विरोध नहीं कर पा रहे। मेरी आपसे विनती है कि आपकी इतनी मेहनत से बनाई इज्जत को आप मिट्टी में ना मिलाएं। अरे उपासना, मेरी फाइल कहाँ है? क्या बात है बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, विधानसभा जाना, मंत्री जी से मिलने और फाइल गायब है। बेटा नाश्ता कर ले। नहीं, विधानसभा जाना है, मैं लेट हो रहा है। देखा, ये होता है काम के प्रति समर्पण। सुबह लेट आने के बावजूद भी इसे अपना फर्ज तुम्हारे खाने से ज्यादा प्यारा है, और एक तुम हो जो इसके नुक्स निकालती रहती हो। बेटा, रात को अगर देर हो जाए तो शंकर को अपने साथ रख लिया करो, और एक बात याद रखो, पैसे वालों के हजारों दुश्मन होते हैं। आप पूछेंगे नहीं कि इतनी देर तक ये कहाँ था? अरे भाई, जवान है, होगा कहीं। अरे तो फिर अकेले क्यों घूमता फिरता है? बहू को साथ में लेकर क्यों नहीं जाता? बेचारे दिन रात इसके इंतजार में घर में पड़ी रहती है। अब इसका दोष मुझे मत दो माँ। एक तो हल्के घर की लड़की मेरे गले बांध दी, ऊपर से उसको पूरा मीराबाई बना रखा है। वो मेरे कल्चर में सेट नहीं हो सकती। चुप कर, कल्चर का बच्चा तेरे कारनामे देखकर कौन सा बड़ा खानदान अपनी बेटी तुझे देता? मेरी बहू के संस्कारों की तो तुझे कोई कदर ही नहीं है। बस रहने दो, तुम गाड़ी निकालो, हमें चलना है। जैसा बाप वैसा ही बेटा, परेशान हो गई हूँ सबसे मैं। बंद करो अपना ये लेक्चर, तुम होती कौन है मुझे सिखाने वाली? अपनी हद में रह के बोलोगी तो भले में रहोगी। और एक बात, आज शाम को मैं मंत्री जी के सम्मान में एक पार्टी देने वाला हूँ, और मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, अपना मुंह बंद रखना, और वो नाटक मत करना कि मांस नहीं चलेगा, शराब नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मेरे रहते इस घर में ना शराब आएगी ना मांस। या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो आपकी पार्टी होगी। अब सुनो, मंत्री जी पेट्रोल पंप का लाइसेंस विक्रम के नाम से दे रहे हैं, और ये पार्टी मैंने उसी के हित में रखी है। ये पार्टी तो होगी ही, अब तुम अपना सोच लो। छोटी सी बात है भानु प्रताप, पेट्रोल पंप का लाइसेंस कल सुबह तक तुम्हारे हाथों में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, हम भी आपकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी फंड में? पार्टी फंड का क्या है भानु, पार्टी भी हम हैं और फंड भी हम ही हैं। बेटा, मंत्री जी के खाने पीने का स्पेशल इंतजाम कहाँ है? हाँ, अंदर आइए ना। आइए 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 मंत्री जी, आपकी सेवा करते हैं। पति मेरा कहना नहीं मानते, बेटा है जो अपनी धुन में रहता है, बहू घर में सामान की तरह पड़ी रहती है। मैं बहुत दुखी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, किसे कहूं, मेरी मदद कीजिए दीदी। आपकी पीड़ा संसार की किसी भी पीड़ा से अलग नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या मेरे साथ ही इस प्रकार से क्यों हो रहा है। हर एक की पीड़ा, व्यथा और दुख इस दुनिया में किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, कोई पहले कोई पीछे। आपकी, आपके पति और पुत्र के लिए जो चिंता है, जो दुख है, वो निरर्थक नहीं है। आपके पति का पुत्र के साथ अंधा मोह है, मोह तो आपको भी
आपके पुत्र के लिए है, किंतु उस प्यार के साथ साथ आप दूसरों का अच्छा और बुरा भी देख पाती हैं। लेकिन आपके पति का अंधा मोह पुत्र को उल्टे रास्ते की ओर तो ले ही जा रहा है, किंतु साथ साथ उसकी मानसिक स्वस्थता को भी कम कर रहा है। एक व्यक्ति का मोह अन्य लोगों में असंतोष पैदा करता है, जो समाज को असंतुलित करता है, उसके संतुलन को बिगाड़ता है, और यही असंतुलन समाज में हिंसा और प्रतिशोध को जन्म देता है। दीदी, कभी कभी तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाओ, लेकिन फिर बेटी और बहू का चेहरा याद आता है, उन्हें भी तो मेरे साथ की जरूरत है। मुझे इस दुर्दशा से बाहर निकलना है दीदी, मेरी मदद करो, मुझे कोई राह दिखाओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं दीदी, मैं क्या करूं। सब छोड़ करके भाग जाना या संसार का त्याग कर देना ये समस्या का समाधान नहीं है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारी को संभालते हुए भी विषय विकारों से मुक्त होकर के जीवन जीना एक सच्ची और बड़ी साधना है। इस समय आपको आवश्यकता है धीरज, शांति और मानसिक संतुलन की। आप अपना धीरज बिल्कुल नहीं खोना, क्योंकि उन्हों को इस समय आपकी जरूरत है। और मैं समझती हूँ जितना आप अपने अंदर धीरज रखेंगी उतनी आपको शक्ति और हिम्मत मिलेगी, और इस समय उन दोनों को आपके प्यार की, आपके धीरज की बहुत बहुत आवश्यकता है। और ये धीरज ही आपको हिम्मतवान बनाएगा, और जितना आप अपने मन में शांति रखेंगी उतना घर का वातावरण भी शांतमय होगा, शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे और आपको मदद मिलेगी। फिर भी हम आपकी सेवा के लिए, आपको सहयोग देने के लिए, मदद देने के लिए तैयार हैं। आप कभी भी आ सकती हैं। अभी आप बहुत शांति से अपने घर को प्रस्थान करें, ताकि वो शांति के वाइब्रेशंस आपसे अनुभव करेंगे, तो उनमें भी परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आएगी। धन्यवाद दीदी। बीवी जी, आपसे ये मिलने आएंगे। नमस्ते, आइए बैठिए ना। बहन जी, हालांकि मुझे मालूम है कि मैं पत्थरों पे अपना सिर पटकने आई हूँ, लेकिन अब मर जाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा बाकी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो किस्मत ने है, पर ना कौन सी कमी है आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने मेरे शहीद पति के नाम अलॉट किए गए उस पेट्रोल पंप को अपने नाम करवा लिया। ना ही मंत्रालय में मेरी फाइल मिल रही है और ना ही मेरी कोई सुनवाई हो रही है। बस एक ही आस थी मेरे दोनों बच्चों के भविष्य की, उसे भी आप लोगों ने छीन लिया। लगता है भगवान सिर्फ आप लोगों के साथ रहते हैं और हम जैसे लोग नरक में रहते। बहन जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपके लिए जरूर करूंगी। आपके बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होगा। सुनिए जी, क्या ये सच है कि जो पेट्रोल पंप हमें अलॉट हुआ है वो किसी शहीद की विधवा को अलॉट होना था? इससे तुम्हें क्या मतलब? कल तुम बोलोगी जो सांस हमने ली है वो किसी और के नाम लिखी थी,
देखो, जिसे जो मिलना होता है उसे मिल जाता है। नहीं, आपने उसे छीना है। मैं चाहती हूँ कि आप वो पेट्रोल पंप उस विधवा को वापस कर दो। देखिए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए बद्दुआओं की गठरी नहीं जमा करनी। ठीक है ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे और भी काम है। फोन रखो। अच्छा, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। कोई बद्दुआओं पर अपने महल बना सकता है, लेकिन वहाँ खुशी का वास नहीं हो सकता। कोई भी इंसान छल, कपट, फरेब, झूठ और चोरी से दौलत इकट्ठी करके अपने परिवार का पालन पोषण करे तो उसमें भी वही विष अंदर घुलता रहता है, और उसे ना चाहते हुए भी संतान को ऐसे संस्कार मिल जाते हैं जो कामी, कपटी और अधर्मी होते हैं। इसलिए जो उत्तम आचरण वाले मनुष्य होते हैं वो अपने संस्कारों पर सदैव सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं। इसीलिए किसने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए आप कभी भी अपने सत्कर्मों से पीछे नहीं हटिएगा। क्यों? इसी ने ही संभवतः है आपके सारे परिवार को एक सूत्र में बांधा हुआ है। अच्छा दीदी, तब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। घर जाकर बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। ये तो आपकी बहुत अच्छी विशेषता है, इतने नौकर होते हुए भी आप भोजन स्वयं बनाती हो। उसमें वो मातृत्व, वो प्यार स्वतः ही संस्कारों में भरा जाता है। अरे आप आ गए, आप इतनी जल्दी आ गए। मुझे बता दिया होता मैं भी आ जाती। अच्छा, आप चाय पियेंगे? आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ गुंडों ने हमारी प्रिया को किडनैप कर लिया है। हमारी प्रिया? क्या प्रिया किडनैप हो गई? कैसे, किसने किया? प्रिया तो कॉलेज गई थी ना, प्रिया किडनैप कैसे हो गई? कौन ले गया उसे? हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, बताइए ना कैसे। आपने रोक, वही तो कर रहा हूँ। कुछ छोटी मोटी रकम नहीं, 3 करोड़ की फिरौती मांगी है उन्होंने, और सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया है। आज बैंक भी बंद है। मैंने कुछ दोस्तों से उधार लेके विक्रम और शंकर को भेजा है प्रिया को लाने के लिए। बस एक बार हमारी बेटी घर आ जाए, फिर ये जो भी है इनकी मौत का तांडव तो सारी दुनिया देखेगी। नहीं, आप मेरी बेटी को ले आइए। कहाँ चली गई प्रिया? प्रिया मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। माँ, प्रिया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, प्रिया, अबे प्रिया, मेरे पास आ गई। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्यों लगी? हाँ बेटा, अरे ये चोट कैसी? माँ, उन्होंने मेरे साथ, मेरे साथ। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। चुप 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 चुप। कुछ नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
कुछ नहीं, पापा है ना, पापा देख लेंगे। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। भानु प्रताप की बेटी का किडनैप और बलात्कार इस घर की चार दीवारी के बाहर नहीं जाना चाहिए। विक्रम बाबू, कैसे याद किया? किसी ने सच ही कहा है, गुंडे हमेशा गुंडे ही रहते हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ उसे किडनैप करके अपने पैसे वसूल करने के लिए कहा था। जान से मार दूंगा तुम लोगों को। तुमने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? अब क्या करें विक्रम बाबू, हम कोई साधु संत तो है नहीं, बस फिसल गई नहीं है जरा। और जहां तक हमारे गुंडेपन की बात है, तुम कौन से दूध के धुले हो? क्यों नहीं खुद को किडनैप करवा लिया था? लेकिन तुम्हें तो जुआ खेलने से फुर्सत है नहीं। बड़ा आया बहन का भाई। चल फोन रख। सुनिए, खाना खाना खाएंगे? खाना लगा दूं? खाना 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 तुम्हें पैर खिला दे। उधर मेरी बहन किडनैपर्स के जंगल में थी और तेरे बाप से 50 लाख का इंतजाम नहीं हुआ। निकल मेरे घर से। चल, हट, चल, निकल, निकल। इस मनहूस की जगह इसके बाप के घर में ही है। चल निकल। आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ? इसके बाप को भी एक बेटी की तकलीफ का एहसास होना चाहिए। आपको मेरे घर की हालत अच्छे से पता है। इतने कम समय में वो इतने पैसों का इंतजाम कैसे करते? माफ कर दीजिए उन्हें, माफ कर दीजिए। आपको माफ किया, अब आप हमें माफ करिए। निकल, निकल यहाँ से। देखना मत अब। नहीं बहू, इन हैवानों के सामने गिर गया ना तो मैं शोभा नहीं देता। मैं तीनू काका से कहती हूँ, वो तुम्हारे साथ आएंगे। सुबह 4 बजे की ट्रेन से तुम अपने घर चली जा बहू। ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इसे अपना बुरा अतीत समझकर भूल जाना बच्चा, भूल जाना। ये तो अच्छा हुआ कि उस बदतमीज से कोई औलाद नहीं है तुम्हारी। आ जा बेटा, रो मत। आ मेरा बच्चा, आ जा। बहन प्रिया, शरीर पर लगे इस क्षणिक दाग को अपनी आत्मा तक नहीं जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि पापी को सजा ना मिले, परंतु इस समय ज़रूरत है आपको मानसिक संतुलन की, क्योंकि यही संतुलन आपको इस परिस्थिति को सामना करने की हिम्मत देगा। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को उसके कर्म स्वतः ही उसकी सजा को निश्चित कर देते हैं। इस समय मानसिक संतुलन बनाए रखने की आपको अति आवश्यकता है, क्योंकि जो भी घटना घटी है या परिस्थिति है उसको अपने अंदर समाने की शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। मानसिक संतुलन आपको इसमें बहुत मदद करेगा। उसकी सजा तो निश्चित हो ही गई है, इसलिए संतुलन बनाए रखो। लेकिन दीदी, सजा मेरे पति और मेरे बेटे को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी सुशील बहू के साथ इतना अनर्थ किया। बहन, मनुष्य सांसारिक विषयों और वैभवों से, महल, मकान,
माड़ी सब कुछ बना सकता है, परंतु इस क्षणिक सुख के लिए अच्छा बुरा सही गलत बिगर सोचे विचारे करोड़ों की दौलत इकट्ठी की, क्या वो सुख दे सकी? परंतु जीवन का सच्चा सुख व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण में है। उन्होंने जो भी कर्म किया, बच्चा स्वतः ही अपने पतन का मार्ग ढूंढ चुका है। आपके पति भी आपका और बेटी के प्यार से वंचित है, लेकिन इस समय में उनको भी आपको संभालने की जरूरत है। मैं चाहती हूं आप करुणा का भाव अपने अंदर रखकर उन्हें क्षमा कीजिएगा। क्षमा भाव और करुणा भाव एक बहुत बड़ी शक्ति है जो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर सकती है और परिस्थिति को सामना करने की ताकत देता है। मैं खुद मंत्री जी से बात कर लूंगा। हाँ गुप्ता, तुम बैंक गए थे ना पैसे निकलवाने के लिए, देर कहाँ लगा दी? दोपहर तक का वक्त दिया था हमने कुछ लोगों को। सर, बैंक में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 4 करोड़ से ज्यादा रकम होनी चाहिए मेरे अकाउंट में, तुमने ठीक से चेक किया? जी सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। आपका और विक्रम सर का ज्वाइंट अकाउंट है और पिछले 2 महीने में विक्रम सर ने धीरे धीरे करके सारा पैसा निकाल लिया। ये उनके साइन किए हुए बैंक के विड्रॉल फॉर्म्स हैं। जी हाँ भानु प्रताप जी, ये बिल्कुल सही है। मैं आपसे मिलना ही चाह रहा था कि गुप्ता जी दिखाई पड़ गए। पुलिस रेड के दौरान आपके बेटे विक्रम का नंबर शहर के बड़े सट्टेबाजों और जुआरियों के फोन से मिला है। आप शहर की एक मानी हुई हस्ती हैं, इसलिए आपको आगाह करना मेरा फर्ज था। सर, एक बुरी खबर और है। ये बंगलो पिछले 1 साल से गिरवी था और ये कोर्ट के ऑर्डर से हमें 2 दिन में ये बंगलो खाली करना होगा। कोर्ट के ऑर्डर से पहले नोटिस जारी होता है, समन जारी होते हैं। भानु प्रताप जी, नोटिस भी इशू हुए थे, समन भी जारी हुआ था, लेकिन आपके साहबजादे विक्रम ने पोस्टमैन को पैसे देकर समन और नोटिस दोनों को फड़वा दिया। अरे, आपको क्या हुआ? आपको क्या हो गया? अरे, शंकर, प्रिया, विक्रम, कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुला के ले आओ। पापा, अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। मत कहो मुझे पापा, मैं इस लायक नहीं हूं। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। ऐसे मत कहिए, आपके बिना हमारी जिंदगी है ही क्या? लेकिन सुहासिनी, जितना मैंने तुम्हें परेशान और नजरअंदाज किया, उसके बावजूद भी तुमने दिन रात एक करके मेरी सेवा की, मुझे जीवन दान दिया। इतना निस्वार्थ प्रेम, आत्मविश्वास, शक्ति, ये तुम्हें कहां से आई? वो विश्वास और शक्ति हम सबके अंदर है। दीपक को अपनी रोशनी के बारे में पता नहीं होता, एक लौ आती है और उसे रोशन कर जाती है। वैसे ही हम सबको एक छोटी सी लौ अपने अंदर छिपी ढेर सारी रोशनी से मिला देती है।
मैं भी अपने अंतर मन की उस रोशनी से मिलना चाहता हूँ। सच, मैं तो आपको कल ही उस शक्ति के स्रोत से मिलवाने वाली हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि आपने खुद ही इच्छा जता दी। ओम शांति। ओम शांति। ये है दीदी, इन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मैंने जीवन के असली मूल्यों को पाया है। ओम शांति। इनको तो आपसे सिर्फ प्रेरणा मिली है, लेकिन मुझे जीवन दान मिला है। अपना सब कुछ गवा के जो मैंने पाया है वो और भी ज्यादा कीमती है। भैया, आज आपके चेहरे पर एक छोटे बच्चे की तरह असीम शांति दिखाई पड़ती है। जीवन में कभी कभी मूल्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। आपने तो कुछ भी बलिदान नहीं दिया, जो आपका था ही नहीं वही गया है, वो निश्चित है। और मूल्यों को पहचानने के लिए इतना बड़ा बलिदान तो था ही नहीं। परिवार के साथ आप जिस मानसिक शांति को अभी अनुभव कर रहे हैं, वो इन भौतिक साधनों से भी प्राप्त होना संभव नहीं है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता है। बहन, आपका एक एक वचन अनमोल है। जिन्हें मैं सुख समझता था वही मेरे दुख का कारण निकले। भैया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के मनुष्य जब वशीभूत होता है तो सत्य उसके कितना भी समीप हो उसे नजर से दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक गृहस्थ को तो समाज के साथ भी चलना पड़ता है, अपने परिवार और प्रतिष्ठा का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये बात सही है कि एक प्रवृत्ति वाले को, गृहस्थी को, ये सब कुछ इतना सरल नहीं है। परंतु जीवन की सच्ची साधना इसी में ही है, अपनी जिम्मेवारियों, अपने कर्तव्यों को संभालते हुए इन पांचों ही विकारों से अपने को मुक्त करके अपना जीवन व्यतीत करना। जैसे कमल कीचड़ में रह करके अपनी दिव्यता से खिलता है, ठीक इसी प्रकार मानव बिगर अपनी इच्छा के विकारों के वशीभूत हो कैसे सकता है। अतः सुख और दुख को संभाव की दृष्टि से देखते हुए अपने जीवन का आनंद लें तो कोई भी विकार आपको वशीभूत नहीं कर सकता है। बहन, आज और अभी से मेरा पूरा परिवार आपका अनुयायी रहेगा। भैया, अनुयायी बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी अंतरात्मा के दीपक को प्रज्वलित करना है। सत्य हमारे भीतर है, शांति अपनी आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए सदा ये लक्ष्य रखें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी यही शुभकामना और शुभ भावना है कि आपका जीवन सुखमय, शांति और आनंद से भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति। ये तुमने ठीक नहीं किया सुहासिनी, हम तो किराए पर कहीं भी रह लेते। बेटी की शादी के लिए जोड़े हुए पैसे और अपने जेवर बेचकर ये घर खरीदने की क्या जरूरत थी? अब मेरे पास थे तो मैंने कर दिया, नहीं होते तो नहीं करती।
और वैसे भी अपने परिवार से बढ़कर थोड़ी ना है ये गहने, वापस आ जाएंगे। आप है ना, कल से आपकी बिजनेस की चिंता कीजिए। नहीं, मैं अब चिंता नहीं, चिंतन करूंगा। कितनी शांति महसूस हो रही है इस छोटे से घर में। आप कल से ऑफिस जा रहे हैं? मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ के किसी भी मेंबर को नौकरी छोड़ने नहीं दी। लेकिन ऑफिस चला कौन रहा है? आपका नालायक बेटा पापा। अब इसे माफ भी कर दीजिए ना, विक्रम भी अब सत्य का अनुयायी हो गया है। वो उपासना के परिवार से माफी मांगकर उसे सम्मान के साथ अपने घर वापस ले आया है। बेटी, तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं। मेरे संस्कारों में कमी थी जिसकी वजह से तुम्हें इतने बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। लेकिन क्या तुमने हमारा वो पुराना घटिया वाला बिजनेस फिर से तो नहीं शुरू कर लिया? नहीं, इसने अपनी गाड़ी बेचकर आपके कंपनी के नाम वृक्षारोपण का टेंडर हासिल किया है। सारा दिन मोटरसाइकिल पर मजदूरों की तरह मेहनत करके आपकी कंपनी को चलाए रखा है। माफ कर दीजिए ना इसे। सही कहती हो सुहासिनी, पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं होता। चलो बेटा, कल से नहीं बल्कि आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपने लिए तो बहुत जी लिए, अब बाकी का सारा जीवन समाज और सत्य के लिए बिताएंगे।